और लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले तथागत को मानने वाले, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वालों को लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बौद्ध महासम्मेलन किया जा रहा है, इसलिए सबको बधाई। साथियों, आखिर ऐसे बौद्ध सम्मेलन करने की आज के समय में हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। यहां जितने भी साथी आए हैं, मैं समझता हूं कि सब लोग ये जानने आए होंगे कि तथागत का धर्म क्या है, और इस मंच से जो भी लोगों को बातें बताई जाएं, उनसे वो अपना हित कैसे साध सके, कैसे अंधविश्वास से और पाखंड से वो दूर हो सके, और कैसे उनके जीवन में सुख और खुशहाली आ सके। तो मैं मानता हूं कि सब लोगों को बहुत ध्यान से जो जहां भी है वो बातें जो मन से हो रही हैं उन्हें सुनने की जरूरत है। कुछ लोग धूप से घबरा के छाया में हैं, इधर भी काफी साथी खड़े हैं। अगर ये सारे के सारे साथी जो इधर उधर खड़े हैं ये सामने अगर कुर्सियों पर बैठ जाए तो मेरा विश्वास है कि कुर्सियां पूरी भर जाएंगी, उसके बावजूद भी लोगों को जगह नहीं मिलेगी, खड़े होंगे, इतने लोग यहां पर उपस्थित हैं अभी। और फिर हम किस बात से डरें, धूप हमें डराएगी क्या, बारिश हमें डराएगी क्या? हम तो किसान मजदूर हैं, इस देश का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान तो हमारा ही है, किसका है? इसलिए हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है कि इस मंच से क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और वो प्राणी मात्र के लिए, मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसे समझने की जरूरत है। तो जो मैं बात आपके सामने कह रहा था कि आखिर ऐसे भव्य आयोजन की, ऐसे बड़े प्रोग्राम की जरूरत क्या पड़ी है, बाबा साहब के दीक्षा लेने के 66 साल बाद भी, ये एक गंभीर विषय है सोचने का। और इसे जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ती है कि हमारे मुक्तिदाता ने जो रास्ता हमें दिखाया, जिस रास्ते पर वो चाहते थे कि हम चलें, जिस धर्म का हम अनुसरण करें, जिसका अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन के दुखों को दूर कर लें, हमने ईमानदारी से उस पर चलना सीखा नहीं, हम चले नहीं। अगर हम चलते तो 14 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 1956 को जब 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच, लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अगर उसी स्पीड से काम होता तो मैं समझता हूं आधे से ज्यादा भारत बौद्ध बन गया होता। लेकिन जब हम 2011 का सेंसस जनगणना देखते हैं तो बौद्धों की उसमें जो संख्या है वो मात्र 84 लाख आती है। अभी मेरे बड़े भाई महमूद पराचा जी बता के गए कि अगर कहीं किसी को ये डर लगता है कि हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेंगे तो कहीं हमारा रिजर्वेशन भी खत्म ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होगा, रिजर्वेशन बुद्धिस्टों को भी मिलेगा। लेकिन अगर आप वाकई में इस सारे सच को जानना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा एक जो किताब लिखी गई है छोटी सी, उसे पढ़िए, धर्मांतर क्यों। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो धर्म, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए अगर लोगों के मन में आता है, उस सवाल का उत्तर सबसे बढ़िया, सबसे सटीक अगर कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा धर्मांतर क्यों, उसी में मिलेगा। पढ़िए आप उस किताब को। अफसोस ये कि हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं, हम केवल बाबा साहब की मूर्तियां लगाते हैं, बाबा साहब के नाम के नारे लगाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं हैं। पूज्य बंती जी अभी यहां से जो बताकर गए, उन्होंने पंचशील के विषय में बताया आपको, हर चीज उन्होंने क्लियर करके बताई। और ये जो आप झंडा देख रहे हैं ये भी पंचशील का ही झंडा है, ये जो बौद्ध धर्म का झंडा है ये पंचशील का ही झंडा है, चारों तरफ
देख रहे हैं। ये क्या है, शीर क्या है? शीर वो आधारशिला है जिस पर बुद्धिज्म टिका है। तथागत की शिक्षाओं हमें जिस रास्ते पर ले जाना चाहती है वो ये धम्म उसी शील पर टिका है, त्रिशरण और पंचशील पर। ये आप इमारत देखते हैं जिसके नीचे पंडाल लगा है, हम लोग बैठे हुए हैं। आप सोचते होंगे बहुत मजबूत इमारत है, बड़ी अच्छी इमारत है, है। लेकिन ये इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि इसकी नींव मजबूत है, तभी ये मजबूत है। और ये जो शील है जिसमें कहा गया है कि मैं किसी भी तरह की हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार से दूर रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, ये बुद्धिज्म की आधारशिला है। अगर हम इन्हें अमल में नहीं लाते, मैं मानने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर हम इन्हें अमल में नहीं लाते तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते पर एक इंच भी नहीं बढ़ पाएंगे जो तथागत का रास्ता है। उस रास्ते पर बढ़ने के लिए हमें इन शीलों का अनुसरण करना होगा, इनको अपने जीवन में उतारना होगा। और इसके साथ साथ जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी ज्ञान की शरण में जाता हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि यानी धम्म की शरण में जाता हूँ, और संगम शरणम गच्छामि यानी संग, जो कुशल जो अच्छे लोग हैं जो अर्हत लोग हैं उनकी शरण में, या ज्ञान का जो पुंज है ऐसा संग उनकी शरण में जाता हूँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम उस रास्ते पर चलेंगे नहीं साथियों, चल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह के आयोजन करने की जरूरत है साथियों। आप लोग कितने कितने दूर से आए हैं, देश के भिन्न भिन्न कोनों से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, नीचे दक्षिण भारत से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग हैं, देश के बाहर विदेश से भी यहाँ साथी आए हैं, बोलकर गए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनके मन में एक ललक है, आपके मन में भी एक ललक है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें रास्ता बताया हम उस रास्ते पर चलें। और आज की तारीख में इसी रास्ते को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर बुद्ध की शिक्षाओं से दिक्कत क्यों है? तथागत के रास्ते से दिक्कत क्यों है? क्यों? क्योंकि अंधविश्वास को अगर कोई एक धम्म या कोई विचारधारा खत्म करती है, नष्ट करती है पूरी तरह, तो वो है बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध की शिक्षा। और इंसान का अगर पतन होता है तो वो अंधविश्वास से ही होता है और पाखंड से ही होता है। और पाखंड को जड़ से उखाड़ने की अगर कोई एक तरीका है, कोई एक दवा है या कोई एक कारण है तो वो केवल बुद्ध का शिक्षा है, बुद्ध की रास्ता है और कुछ नहीं। तो जो पाखंड है, जो लोग इससे घबराते हैं वो पाखंड ही फैला रहे हैं। जो कहते हैं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, हम जो कह रहे हैं केवल उसको मानने की जरूरत है और आंख मीच कर आप उस पर चलते चले जाइए और अपने आप को अपने समाज को तबाह कर दीजिए। और हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम तर्क पर आधारित, न्याय पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, भाईचारे पर आधारित जो रास्ता है, जो सबके हित का रास्ता है, समानता का रास्ता है, हम उस रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा, अन्यथा हमारा भला होने वाला नहीं है। और मैं आपको, क्योंकि पीछे से थोड़ा आवाज आ रही है तो मुझे अपनी बात को जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा, पर मैं आपके सामने दो बातें जरूर रखना चाहता हूं। आप सारे के सारे लोग आए हैं, आज की तारीख में ये सबसे बड़ा जो खतरा है, मैं उस खतरे की तरफ आपको आगाह करना चाहता हूं। साथ एक बार अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए कि क्या हम ईमानदार हैं या हम बेईमान हैं। क्या हमने बाबा साहब को सच में माना या हमने उनके साथ में बेईमानी की, या उनके नाम को, उनके मिशन को राजनीति और अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल किया है। अगर हम वाकई में उनके बताए रास्ते को ईमानदारी से, अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए कोशिश करते तो देश बहुत कुछ बुद्ध में बन गया होता। और इस देश को, इस राष्ट्र को बुद्ध में बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी सबको स्वतंत्रता मिलेगी,
बराबरी का हक मिलेगा, न्याय मिलेगा और तभी भाईचारा कायम होगा। अन्यथा जो ताकतें हैं और जो ताकतें आज सत्ता में बैठी हैं, वो ताकतें इस देश को पूरी तरह खत्म करके इस पूरे बहुजन समाज को, इस पूरे शूद्र समाज को जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सारा आता है, इसको पूरी तरह से गुलाम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये तथागत का धर्म लोगों के बीच में अपनी जड़ें बना गया, लोगों की चीज समझ में अगर ये धर्म आ गया और उस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया, तो चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई पाखंड फैलाने वाला हो, वो बिल्कुल ऐसे उड़ जाएगा कि जैसे आंधी में पत्ते उड़ जाते हैं ना, उनका अता पता भी नहीं होगा। इसलिए साथियों, उनको घबराहट है इससे, और ऐसी सरकार, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना जरूरी है और उसके लिए ईवीएम को उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। आप जानते हैं हम लगातार ईवीएम का आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ये मंच हालांकि इस बात को कहना कर रही है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है उसी से। अगर देश का संविधान बचेगा तो ही और कुछ बचेगा। बाबा साहब का बताया हुआ देश बचेगा, उनकी शिक्षाएं बचेंगी, बुद्धिज्म बचेगा। अगर संविधान ही खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो संविधान को बचाने के लिए ऐसी आदत आई सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है 2024 में, और उसके लिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना जरूरी है, अन्यथा इन्हें उखाड़ा नहीं जा सकेगा। आप जाने से पहले मैं हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान ईवीएम के विषय में चला रहे हैं, ताकि ये मानते हैं, एक मिनट में बताना चाहूंगा, इस देश में 90 करोड़ मतदाता है, 65% पोलिंग होता है, मान लीजिए कि 60% पोलिंग हो रहा है, 7 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, 7 करोड़ लोगों में से अगर 30 करोड़ लोग इस हस्ताक्षर अभियान में हमारा साथ दे दें, हस्ताक्षर करके हमें दे दें केवल, और उसके बाद में बाकी हमारे वकीलों की जिम्मेदारी, जो हमारे भाई बड़े भाई महमूद पराचा बता के गए। मैं कल सुबह इसीलिए जल्दी आया कि यहाँ लखनऊ हाईकोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनके साथ में हमारी मीटिंग हुई है, और बहुत जल्दी 2024 के शुरू होने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वकीलों की ऊपर से लेकर केंद्र से लेकर तहसील तक एक जबरदस्त संगठन खड़ा किया जाएगा, तो हर जगह आपको तैयार मिलेगा साथियों। सो हम सब जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि क्योंकि 30 करोड़ लोग अगर हमारा साथ दे देंगे, तो हमारे जो सारे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट आज ईवीएम पर सुनने को तैयार नहीं है, जितनी पिटीशन है सब डिसमिस की गई है। यहाँ पर हमारे साथी राजकुमार जी एडवोकेट जी बैठे हैं, उन्होंने भी डाली, वो भी खत्म की गई। तो अब तरीका क्या है? एक दो ही है, या तो सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बीजेपी का कब्जा है, वहां से होगा नहीं। तो हमारा प्लान ये है कि ये 30 करोड़ लोग अगर सिग्नेचर करके ईवीएम फॉर्म पे हमें दें, तो हम सारे के सारे बहुजन समाज के वकील सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके और इस ईवीएम को हटा के इस देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। बस इसी के साथ जो भी साथी हैं फॉर्म लेके जाएं, मैं निकाल के अभी सबको दूंगा, बिना उसके कोई जाएगा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी का जिन्होंने मुझे बुलाया, और आप सब साथियों का जितना ने ध्यान से सुना, और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय